नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं? मैं सिरसा से। क्या समस्याएं थी जिसको लेकर आप श्री गोविंद धाम पहुँचे? जैसे मेरे घर में मतलब माँ बीमार रहती थी, पापा और मतलब बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वो सब समस्या मेरी दूर हो गई है। ये ऐसी छोटी छोटी समस्या है कि माँ बाप बीमार होना, उसको आप डॉक्टर के पास ले जाते, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चे तो शरारती होते, तो थोड़ा उनको समझाया जाता है, लेकिन उसके लिए श्री गोविंद धाम ही क्यों? वो मैंने उनको देख लिया था ये करते, लेकिन अब वो क्यों मतलब सही हो गए फिर? अच्छा, मतलब पहले आपने चीजें ट्राई की है कि डॉक्टर के पास भी गए, बच्चों को समझाया भी, तो कोई चीजें सुधरी नहीं आपकी, फिर आप श्री गोविंद धाम की तरफ रुक किया? मेरे हर काम में अड़चन आती थी, मैं जैसे मैं कोई भी अपना नया काम करता था, बिजनेस में वो रहे खेती में, सब काम में अड़चन आती थी, लेकिन अब बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो गुरुजी के पास आने से आपका बिजनेस भी ठीक चलने लगा, बच्चे भी पढ़ने लगे, माता पिता की बीमारी भी ठीक हो गई, तो गुरुजी ने ये सब किया कैसे? आशीर्वाद से गुरुजी ने बोला भी भगवान को याद करो और मतलब भगवान को याद करते रहो, आप ठीक हो जाओ। गुरुजी ने खाली ये बताया कि भगवान को याद करो, उसके अलावा बाकी काम अपने आप होते चले गए या अपने आप हो गए? बिल्कुल, मेरे सभी काम पूरे होते और लगभग मेरे सभी रिश्तेदार भी अब तो आने लगे हैं, जिन्होंने मतलब ये सुना है देखा, अब तो मेरे गांव से हर बार एक न एक आदमी मतलब नया जुड़ता है, वो उन सबके फायदा होता है। जी, कितने टाइम से आप धाम से जुड़े हुए? मैं 5-6 सालों से आ रहा हूँ। 5-6 सालों से जुड़े हुए, तो इसमें आप इस दौरान आपने गुरुजी का व्यक्तित्व तो कैसा देखा है? व्यक्तित्व तो गुरुजी का मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, जैसे मतलब कोई दिखावा नहीं है और नहीं है। दिखावा मतलब किस तरह का दिखावा नहीं है? नहीं, जैसे आम सिंपल, जैसे कई दूसरे गुरु जी के पास हम और भी देखते हैं तो वो बात नहीं है, मतलब सादगी से रहते हैं, कोई अडम्बर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और जो बाहर से संगत आती है उसको किस नजरिए से देखते हैं या कैसा व्यवहार रहता है? यहाँ बहुत मतलब अच्छा होता है, किसी का साथ मतलब भेदभाव नहीं होता है और सबको बराबर, सबको समान समझा जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और बीमारियां ठीक की जाती है, तो उसके लिए कोई डोनेशन, दान दक्षिणा किसी तरह का भी या फिर कोई तांत्रिक प्रक्रिया, ऐसा क्या किया जाता है? मैंने तो आज तक देखी नहीं ऐसी कोई बात, 5-6 सालों से लगातार आ रहा जी। तो हमारे दर्शकों को आप धाम के बारे में, गुरु जी के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही मतलब कहना चाहूँगा, जिसके किसी को हो संकट वो या आए, उनके सबके दूर होंगे। मैंने तो मुझे तो पूरा विश्वास और भरोसा है, मेरे मतलब सब काम हुए भी हैं, हो भी रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।